तो इधर डल लेक के सामने आप देख सकते हो फालूदा मिलता है 8 वेराइटीज़ के साथ। वो 8 वेराइटी इसमें डालेगा। अभी देख सकते हो फालूदा और चॉकलेट अभी डाल दिया। मैं आपको इधर इसमें वाली तो ये वाली शिकारा हमने बुक कर ली, इसमें चढ़ेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हो डल लेक में भी आपको बारबेक्यू मिलता है। क्या अंकल जी आप मुझे बताएंगे क्या क्या है आपके पास? सब है। क्या क्या? फिश है, चिकन है, मटन है इनके पास। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, बढ़िया होगी। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज हमें जाना है डल लेक। आज हम भी देखेंगे जो नया लाल चौक का सीन क्या है, क्या कैसे उसको मॉडिफाई किया है। तो बनते रहे इस व्लॉग में। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को फॉलो करो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। लाल चौक बनाया उसका, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा बहुत डल लेक में भी घूमेंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं। ये बाहर का मगल गार्डन आप देख सकते हो, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी इधर से एंट्री करेंगे, अभी देखेंगे क्या सीन रहेगा। बाकी आप देख सकते हो करेंगे एंट्री। तो अभी हम पहुँच गए निषाद गार्डन, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, बाइक आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। अभी मिलते हैं सीधा गार्डन में, आपको मैं दिखाऊंगा उधर से क्या नज़ारा होगा। मिलते हैं सीधा। ये ले ली हमने मगल गार्डन की टिकट, अभी जाएंगे अंदर, देखेंगे क्या सीन रहेगा, बाकी आपसे शेयर करेंगे। अभी पहुँच गए हम मगल गार्डन के अंदर। ये अंदर का कुछ ऐसा एंट्री है, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से फूल है। पहुँच गए हम मगल गार्डन के अंदर, आप देख सकते हो इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी धूप बहुत है, अभी देखेंगे क्या सीन रहेगा, बाकी आपसे पूरा शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी ऊपर भी जाएंगे, अभी देखेंगे क्या सीन रहेगा, आपसे पूरा शेयर करेंगे। तो ये मगल गार्डन का दूसरी साइड में आप देख सकते हो मगल गार्डन में। अभी मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो मौसम का कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी हमें बहुत सारी जगहों पर जाना है, बाकी आप देख सकते हो इधर सबसे ज़्यादा अभी बच्चे ही ज़्यादा आते हैं पिकनिक वाले स्कूल से। बाकी आप देख सकते हो कुछ नज़ारा ऐसा है। तो आप देख सकते हो इधर डल लेक के सामने अच्छी बिरयानी मिलती है, इधर 50 रुपीज़ में बिरयानी मिलती है। ये हम पहुंच गए शालीमार गार्डन, आप देख सकते हो बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। टिकट हमने ले ली, खाना भी ले लिया, अभी खाना खाएंगे, देखेंगे कैसे रहेगा। खाना हमने खा लिया, बिरयानी खा ली हमने, इस जगह पे हमने खाना खाया। तो ये जो एरिया है इसको शालीमार गार्डन बोलते हैं। ये जो आगे का रास्ता है उसको स्प्रिंग, उधर स्प्रिंग। बाकी आप देख सकते हो इधर की ब्यूटी कितनी अच्छी है। आगे हम जाएंगे उसका स्प्रिंग के पास, देखेंगे उधर कैसा नज़ारा होगा। बाकी आप देख सकते हो इधर का कुछ सीन ऐसा है। अभी हम पहुंच गए ये स्प्रिंग के पास, ये शालीमार का स्प्रिंग है। आप बाकी आप देख सकते हो मौसम का कुछ नज़र ऐसा है। तो अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन रहेगा, आपसे पूरा शेयर करेंगे। बाकी आप देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा हो गया आज। अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन रहेगा। अभी बहुत सारे लोग भी आते हैं अभी इधर। ये फंवारा आज नहीं चल रहा है, पता नहीं। परी महल में हमने एंट्री कर ली, अभी आप देख सकते हो। अभी मैं आपको परी महल से ऊपर का नज़ारा दिखाऊँगा, इधर से कैसा दिखता है। परी महल का ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हो, ऊपर से ऊपर के पहाड़ आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। इधर आप फोटो भी खिंचवा सकते हो महल। तो अभी हम बैठ गए, अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, बाकी आप देख सकते हो। अभी इसके बाद हमें जाना है शिकारा राइड में, डल लेक में जाएंगे। अभी देखेंगे उधर क्या सीन रहेगा, आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम डल लेक के पास रुक गए। तो अभी हमने देखा फालूदा, ये मौली साहब बहुत अच्छा फालूदा बनाते हैं। तो अभी देखेंगे फालूदा खाएंगे। मौली साहब आप अपने बारे में बताएंगे, ये कब से आप बेच रहे हो, तो कैसा अभी कैसा मौसम है, हाँ तो बिजनेस कैसा है अभी, तो अभी कितना टूरिस्ट आते हैं अभी।
तो कितने का आप ये बेच रहे हो? एक एक अच्छा अच्छा हाँ आठ वैरायटी आता है मिक्स। अच्छा एक ही में आठ, चलो ठीक है। और ये आप देख सकते हैं डल के सामने कुछ ऐसा नज़ारा है जैसा अभी देखेंगे, फालूदा खाएंगे, अभी देखेंगे क्या सीन रहेगा, आपसे पूरा शेयर करेंगे। तो इधर डल लेक के सामने आप देख सकते हो फालूदा मिलता है आठ वेराइटीज़ के साथ, वो आठ वेराइटी इसमें डालेगा। अभी देख सकते हो फालूदा और चॉकलेट अभी डाल दिया, मैं आपको इधर इसमें दिखाऊँ। साहब ये क्या है? ये वनीला है, हाँ वनीला है, आप देख सकते हो वनीला है। अब ये क्या आ गया मुरी साहब? अच्छा टूटी फूटी लेमन। अच्छा और ये क्या है? अच्छा मिल्क मेड है। देख सकते हो डल लेक के सामने, डल लेक का नज़ारा कुछ ऐसा है। अब डल लेक के सामने फालूदा खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो अभी आप देख सकते हो सूरज भी उतर जाएगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखेगा और अभी चेक करेंगे आप कैसा है। अभी हमने गाड़ी को पार्क में लगा दिया है, अभी जाएंगे हम डल लेक पे शिकारा राइड, देखेंगे आज शिकारा राइड में कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो टाइम बाद, तो देखेंगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। डल के किनारे गोलगप्पे भी मिलते हैं, अभी देखेंगे शिकारा राइड में क्या सीन होने वाला है।